माँ के बिना किसी भी इंसान का इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है। माँ ना होती तो हम नहीं होते, माँ ना होती तो आप नहीं होते। चाहे माँ का स्वरूप जन्म देने वाली की हो या माँ जग जननी, माँ आदिशक्ति हो, माँ है तो यह ब्रह्मांड है। ऐसी सर्वगुण संपन्न आदिशक्ति माँ को मेरा बारंबार प्रणाम है। बात हाल फिलहाल की ही है। नई दिल्ली में राकेश नाम का नौजवान युवक रहता है। उस बेचारे की विडंबना यह थी कि वह दोनों पैर से अपाहिज था और बिना किसी सहारे के चल नहीं पाता था। जब भी वह कहीं जाता तो अपनी तीन टायर वाली रिक्शा से ही जाता। राकेश एकदम सरल स्वभाव का इंसान था। अपाहिज होने के बावजूद भी वह थोड़े बहुत कपड़े सील कर अपनी कमाई ही खाता था, न कि किसी के सहारे काम करके खाता था। बस ऐसे ही उसकी दिनचर्या थी। लेकिन वह माता रानी को बहुत मानता था। माँ से सच्चे दिल से एक ही प्रार्थना करता था। उस प्रार्थना में भी माँ का शुक्रिया ही करता कि माँ ने उसे इंसान के रूप में जन्म दिया। बेचारे उस अपाहिज राकेश के आगे पीछे कोई नहीं था सिवाय दो चार दोस्तों के। एक बार राकेश की शॉप पर एक ग्राहक आया जो अपने साथ लाल रंग का कपड़ा लाया था। वह राकेश से उस कपड़े का माँ वैष्णो के लिए लाल निशान बनवाना चाहता था। उस ग्राहक ने राकेश से कहा कि कृपया आप जितना जल्दी हो सके माँ वैष्णो के लिए निशान बना दीजिएगा, क्योंकि हमें माता रानी के दरबार वैष्णो धाम जाना है। बस राकेश के मन में आ गई यह बात, उसे भी मन हुआ माता रानी के दरबार में जाने के लिए। लेकिन अपाहिज होने की वजह से उसे अपने आप पर गुस्सा भी आता था कि काश उसके भी पैर होते और वह भी माँ के दर्शन के लिए उनके दरबार जाता और पौड़ियां पौड़ियां पहाड़ों पर चढ़ता। मैं कैसा भक्त हूँ माँ का, जो मैं माँ को रोज रोज अपने घर तो बुला लेता हूँ, लेकिन मैं कभी माँ के दरबार में आज तक नहीं गया। क्या मेरा कोई फर्ज नहीं कि मैं भी माँ का निशान लेकर माता रानी के दरबार जाऊं? एक दिन ये सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चे दिल से की गई बात माँ तक जरूर पहुँचती है। बस फिर क्या था, जब बेटा आना चाहे और माँ न बुलाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? बेटे के आंसू माँ कहाँ देख पाती है और माँ से कोई बात छुप भी नहीं सकती। रोज की तरह माँ की पूजा पाठ करके राकेश अपनी शॉप पर चला गया। दोपहर तक वह ग्राहक भी आ गया जिसने राकेश को माता रानी का निशान सिलने को दिया था। राकेश उस ग्राहक से पूछने लगा कि आप कब जा रहे हैं, कब आओगे। ऐसी बातें सुनकर उस ग्राहक को लगा कि बेचारे का मन कर रहा है जाने का। जब उस ग्राहक ने माता के निशान की सिलाई के पैसे राकेश को देने लगा तो राकेश ने लेने से इनकार कर दिया और कहने लगा, माता रानी का निशान है इसलिए इसकी कोई सिलाई नहीं, माँ का निशान मेरे हाथों से सिला गया, इससे अच्छी कोई बात हो सकती है भला। राकेश अपने पास से कुछ पैसे देकर कहने लगा, भाई आप माँ के दरबार जा रहे हैं तो कृपया मेरे नाम का प्रसाद भी लगा देना, ये लीजिए पैसे। तो उस ग्राहक को दया आ गई। राकेश पर और सोचने लगा कि अपाहिज होने के बावजूद भी इस व्यक्ति का कितना बड़ा दिल है। उसने राकेश से कहा, आप भी चलो हमारे साथ। तो राकेश ने एक नजर अपने पैरों की ओर डाली तो वह ग्राहक समझ गया कि ये नेक दिल व्यक्ति संभवतः किसी पर बोझ नहीं बनाना चाहता। इससे पहले कि राकेश कुछ बोलता वह ग्राहक बोला, आप फिक्र मत करो, सब कुछ माता रानी पर छोड़ दीजिए, माँ अपने आप संभालेगी, आप कुछ भी मत सोचिए, आप चलिए हमारे साथ, हम आपको लेकर जाएंगे और साथ ही आपका सारा खर्च भी हम ही उठाएंगे। ऐसा सुनकर राकेश मन ही मन बहुत खुश हुआ और माता रानी का आभार प्रकट करने लगा कि माता रानी ने ये कैसी अपनी महिमा दिखाई है। अगर माँ का हुक्म हुआ है तो फिर सोचना कैसा। अब तो माता रानी जाने, माँ का काम जाने। राकेश ने उस ग्राहक को हाँ कर दी और साथ में अपने एक दोस्त को भी साथ लिया ताकि उसे सहारा मिल सके और चल दिए माता रानी के दरबार वैष्णो धाम। कहते हैं ना कि जब भी माँ अम्बे का बुलावा आता है तो चाहे भक्त किसी भी हाल में हो, माता रानी सब इंतजाम कर देती हैं। माँ की मेहर है तो सब कुछ है। अब देखिए उस अपाहिज भक्त राकेश के साथ माँ क्या करिश्मा करती है। बेचारा राकेश उन सभी भक्तों के साथ चल दिया माता रानी के दरबार पूरी आस्था के साथ। लेकिन रास्ते में फ्रेश होने के लिए बस से बार बार उतरना चढ़ना राकेश के लिए बड़ा मुश्किल का काम था। लेकिन उसने इन सभी परेशानियों को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसे बार बार माता रानी का मनोहर और ममतामयी स्वरूप दिख रहा था जिसके दर्शन के लिए वह जा रहा था। थोड़ी बहुत परेशानियों के साथ आखिरकार वह माता वैष्णो के दरबार पहुंच गया। निश्चय
समय पर सभी भक्तजन माता रानी के दरबार पहुंच गए। धर्मशाला में रुक कर नहाकर सब लोग माँ के दरबार की ओर रवाना हो गए। असल बात तो यहाँ से ही शुरू होती है जी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर माता रानी का दरबार इतना सुंदर लग रहा था। पूरी लाइटों से माता रानी का दरबार सज रहा था और रंग बिरंगी लाइटें देखकर राकेश का मन खुशी से झूम उठा। उसे साक्षात ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा स्वर्ग ही इन पहाड़ों की चोटियों पर उतर आया है, पर यह तो पहाड़ों से नीचे से ऊपर देखने का नजारा था। असल में अब जो अद्भुत नजारा बाकी था वह माता रानी के मंदिर के अंदर का था। राकेश ने माता रानी को वहीं से प्रणाम किया और जय माता दी बोलकर पहली पौड़ी चढ़ गया। राकेश के मन में बहुत खुशी थी। इसके साथ ही बाकी के भक्तों ने भी जय माता दी का जोर से जयकारा लगाया। राकेश खुशी से माता रानी के मंदिर की पौड़ियों को चढ़ता गया और साथ ही जय माता दी के जयकारे लगाता रहा। अब राकेश ने साथ आए भक्तों के साथ पहाड़ों पर आधा रास्ता तय कर लिया, लेकिन उसके पैरों और हाथों में छाले पड़ गए थे। सभी भक्तों ने राकेश को आराम करने के लिए कहा, लेकिन राकेश ने मना करते हुए कहा कि आराम तो माता रानी के चरणों में जाकर ही मिलेगा। लेकिन ये क्या, कुछ देर और चलने के बाद राकेश की हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसकी थकान स्पष्ट दिख रही थी, फिर भी वह घुटनों के बल पर चल रहा था। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद राकेश के छाले फूटने लगे और खून बहने लगा। फिर भी राकेश ने माता रानी के लिए अपनी आस्था नहीं छोड़ी। वह निरंतर आगे बढ़ता जा रहा था। सभी भक्तों ने उसे समझाया कि चलो आपको गोद में उठाकर चलें, पर नहीं, राकेश ने किसी की एक भी नहीं मानी। उसे विश्वास था कि माता रानी कभी उसके साथ बुरा नहीं होने देगी। आखिरकार एक बेटे की भी अपनी माता रानी के लिए एक परीक्षा ही थी। थोड़ी दूर और आगे चलने के बाद दर्द की वजह से राकेश वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। रास्ते में ही साथ वाले भक्तों ने उसे उठाया और पास में ही किसी की चाय की दुकान थी, वहां उसे लिटा दिया। कुछ घंटों बाद राकेश को होश आया और फिर से वापस चल पड़ा माँ के दरबार की ओर। आखिरकार सब भक्तों के साथ थकते हारते राकेश ने जैसे ही माता वैष्णो की गुफा में प्रवेश किया और तीन पिंडियों के दर्शन किए, फिर से वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। भक्तों ने बेहोश राकेश को उठाने की कोशिश की तो पुजारी जी ने सबको हाथ के इशारे से वहीं रोक दिया और माता रानी के चरणों से जो अमृत की धारा निकलती है उसे लेकर राकेश पर छींटे मारे। पूरे शरीर पर छींटे लगने से राकेश के भाग्य खुलने वाले थे, क्योंकि जिस किसी पर ये अमृत के छींटे पड़ जाएं, उस पर कितना भी रोग और शोक हो सब खत्म हो जाता है। साक्षात माता रानी के चरणों को धोता है यह जल। आखिरकार कुछ देर बाद राकेश को होश आ ही गया। उसे हल्का हल्का सा महसूस हो रहा था और वह सामने ही माता रानी की पिंडियां थी। उनके दर्शन के लिए अचानक से उठकर अपने पैरों से दौड़कर चला गया। वह खुद ही भूल गया कि वह दोनों पैरों से अपाहिज था और माता रानी की कृपा से अपने पैरों पर दौड़ने लगा था। सब भक्तजन देखकर हैरान हो गए कि यह कौन सा चमत्कार है। सबकी आंखें चमक उठी क्योंकि सबने अपनी आंखों से यह करामात जो देखी थी। इसी बीच राकेश माता रानी के सामने आंखें बंद करके माता रानी से बात कर रहा था मन ही मन। उसका इस बात पर ध्यान ही नहीं गया कि उसके साथ क्या हुआ, कि पहले वह अपने पैरों से अपाहिज था और अब वह उन्हें पैरों पर दौड़ने दौड़ने लगा है। वह अब भी इस चमत्कार से अनजान था क्योंकि उसका दिल, दिमाग, तन और मन सब माता रानी में था। माता रानी के अलावा उसे और कहा कि शुद्ध बुद्ध थी। इसी दौरान जब सभी मौजूदा भक्तों ने माता वैष्णो देवी का यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा तो माँ वैष्णो देवी के जयकारों के साथ ही पूरा भवन गूंज उठा तो राकेश का ध्यान टूटा। सामने पुजारी जी खड़े थे जो राकेश को देखकर उसी के सामने मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि राकेश अपने दोनों पैरों पर बिल्कुल स्वस्थ माता रानी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। वह आश्चर्यचकित रह गया कि सब लोग उसे क्यों देख रहे हैं। फिर अचानक से उसका ध्यान अपनी तरफ गया। उसने देखा कि वह अपने पैरों पर खड़ा है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि माता रानी ने उसे दो पैर दिए हैं। वह माँ के सामने घुटनों के बल लेट गया और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि माँ ने उसकी जिंदगी जो बदल दी थी। राकेश ने फैसला किया कि अगर माता रानी ने उसकी जिंदगी को संभाला है तो वह यहीं रहकर माँ के दरबार में माँ की सेवा चाकरी करेगा।
तब से लेकर राकेश वहीं वैष्णो धाम मंदिर में माँ के दरबार में माँ की पूजा करता है और उसने अपना पूरा जीवन माँ को समर्पित कर दिया है और माता रानी के इस चमत्कार का जिक्र आज हर किसी की जुबान पर है। ऐसी है माँ दुर्गा रानी, माँ अम्बे रानी। एक बार भी सच्चे दिल से माँ को पुकार कर देख लीजिए। माँ अपने बच्चों के लिए दौड़ी चली आती है, कभी भी अपने बच्चों को दुख में नहीं देख पाती। तो एक बार सभी कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी कर लीजिए। और साथ ही माता रानी की इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। जय माता दी।